वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर। वाइटनिंग क्रीम्स का एक बहुत बड़ा शेयर है इंडियन मार्केट में, उसके बहुत से रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहले तो गोरा रंग आपको पता ही है, एक सिंबॉलिक होता है कि भाई हम सुंदर हैं, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से, बट क्या करें, है तो है। और सेकेंडली, हर कोई एक फाउंडेशन वाला टिंट पसंद नहीं करता, तो उनके लिए आती है वाइटनिंग क्रीम। ये बिल्कुल शेयर कवरेज देती है और एक ग्लो दे देती है फेस पे। इसके साथ साथ फेस पे जब डार्क स्पॉट्स होता है तो भी एक वाइटनिंग क्रीम बढ़िया काम करती है। इसके साथ साथ एक वाइटनिंग क्रीम में माइनर सा SPF भी होता है, तो आपको सन प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। बट ये सारी वाइटनिंग क्रीम्स अच्छी होती है? इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। सूट करने की बात है। मेरा ये मानना है कोई भी ब्रांड बुरा प्रोडक्ट नहीं बनाता, बट आपको सूट कर जाए तो भाई बहुत बढ़िया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 10 ब्रांड्स जो मेरे हिसाब से नंबर वन है इंडियन मार्केट में और आपको बेस्ट वाइटनिंग क्रीम्स देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं टॉप 10 वाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी टॉप 10 की लिस्ट की। नंबर 10 जो हमारी लिस्ट में है वो है हिमालया की क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाइटनिंग क्रीम। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है और उसकी बहुत पॉपुलर क्रीम है हिमालया। हम सब जानते हैं हर्बल प्रोडक्ट कितने बढ़िया बनाता है, और इसकी जो ये क्रीम है ये भी 100% हर्बल है। इसके दो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एक हो लिकोराइस और सेकंड है जिंजर लिली। लिकोराइस का काम होता है आपके फेस को इंस्टेंटली ही ग्लो देना और उसके साथ साथ आपकी स्किन को स्मूथ करना, डार्क स्पॉट हटाना। और जो जिंजर लिली है उसका काम होता है आपकी स्किन को इवन करना। जैसे फेस थोड़ा सा डल लग रहा होता है ना, तो जिंजर लिली एकदम ही आपके फेस को लाइट अप कर देता है, स्मूथ कर देता है, इवन कर देता है। और इसके साथ साथ यूवी प्रोटेक्शन में भी बहुत बढ़िया रहता है। इस क्रीम में आपको हल्की फुल्की यूवी प्रोटेक्शन मिलती है जो आपको UVA और UVB रेस से प्रोटेक्ट करती है, तो आपको सनस्क्रीन लेने की भी कोई जरूरत नहीं अगर आप हल्का फुल्का बाहर रहते हो। इसके साथ साथ ये डार्क स्पॉट्स पे काम करती है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है या नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो ये क्रीम आपको बहुत पसंद आने वाली है। हल्का फुल्का हाइड्रेट भी करेगी और ग्लो भी देगी। बहुत बढ़िया बेस बना देती है आपका मेकअप से पहले, और ये बाय फार द मोस्ट अफोर्डेबल है हमारी पूरी लिस्ट में। अगर हम कुछ इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस है 250 रुपीज फॉर 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 9 जो हमारी लिस्ट में है वो है VLCC की स्निग्धा डे क्रीम। VLCC की स्निग्धा रेंज काफी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। एटलीस्ट इसमें आपको मिलता है एडेड SPF 25, जो कि मोर देन सफिशिएंट है अगर आपने हल्का फुल्का बाहर जाना है, 10-15 मिनट सिर्फ क्लास तक का डिस्टेंस है, लाइब्रेरी तक का डिस्टेंस है, तो ये क्रीम बहुत बढ़िया है आपके लिए। इसमें आपको UVA और UVB रेस दोनों से प्रोटेक्शन मिलती है। अगेन इसके अंदर भी लिकोराइज डाला गया है जो कि आपके फेस को बहुत बढ़िया ग्लो देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा और ग्लोइंग भी रखेगा। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते रहो तो पिगमेंटेशन पे भी वर्क करता है, डार्क स्पॉट पे भी करता है और स्किन को इवन भी करता है। इसका थोड़ा सा जो डिफरेंस है हिमालया से, हिमालया कंपैरेटिवली मोर हाइड्रेटिंग है और ये थोड़ी सी नॉन स्टिकी है, जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाएगी, नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे बहुत बढ़िया चलने वाली है। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो 320 रुपीज में आपको मिलता है 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 8 जो हमारी लिस्ट में है वो है बायोटिक की कोकोनट क्रीम। ये एक बहुत ही ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर है। हमारी लिस्ट में ये ओनली क्रीम है जिसके अंदर SPF नहीं है, तो अगर आप एक ऐसी क्रीम चाह रहे हो कि आपको ग्लो भी दे और सन प्रोटेक्शन आपको कोई खास नीड नहीं है, तो इससे बढ़िया ऑप्शन पूरी लिस्ट में नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये विदाउट SPF है। कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर होता है वर्जिन कोकोनट और साथ साथ होता है डैंडोलाइन, जिसका काम ये होता है आपके फेस से डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, ब्लेमिशेस को फेड करता है, और अगर आपके फेस पे कोई भी पिगमेंटेशन वगैरह है उसके निशान भी रेगुलर यूज से फेड करेगा। एक ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर में बाय फार नंबर 1 है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, जल्दी से आपकी स्किन में हाइड्रेट हो जाएगा और ग्लोइंग स्किन देगा। अगेन बायोटिक के सारे प्रोडक्ट्स 100% हर्बल है, तो आप श्योर हो सकते हैं कि सेंसिटिव स्किन के लिए बढ़िया रहेगा। अगर हम कुछ प्राइसिंग की बात करें तो 199 में आपको मिलता है 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 7 जो हमारी लिस्ट में है वो है ओले की नेचुरल ऑरा क्रीम। इसका इनिशियली नाम होता था ओले की नेचुरल वाइट। ओले शुरू से जाना जाता है अपने एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के लिए। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स तो इसके बढ़िया हैं ही, साथ साथ इसकी वाइटनिंग रेंज भी बहुत बढ़िया है। इसमें सबसे पहले आपको मिलता है SPF 15, जो कि बहुत जरूरी है एक वाइटनिंग क्रीम में, आपके फेस को टैन होने से बचाएगा और साथ साथ एक इंस्टेंट ग्लो देगा। इसका टेक्सचर कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है बाकी क्रीम से, जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाती है, हाइड्रेट बढ़िया करती है और वाइटनिंग ज्यादा देती है बाकी रेंजेस में। आपको कंपैरेटिवली ज्यादा वाइटनिंग मिलेगी, आपने बस स्मॉल डॉट्स में लगाना है और पूरा आपको हाइड्रेटेड और ग्लोइंग स्किन मिल जाएगी विद प्रॉपर सन प्रोटेक्शन। अगर रेगुलर यूज करते रहो डार्क स्पॉट और ब्लेमिशेस पे भी बढ़िया काम करने वाली है। ओले की बढ़िया क्वालिटी तो एडेड आपको साथ में मिलती ही है। अगर हम इसके कुछ प्राइसिंग की बात करें तो 399 में आपको मिलता है 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 6 जो हमारी लिस्ट में है वो है गार्नियर की विटामिन सी सीरम क्रीम। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है एक सीरम क्रीम है, इसका ये मतलब है हाइड्रेट तो बढ़िया करने ही वाली है, जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाएगी और इसमें आपको मिलता है 3 टाइम्स विटामिन सी। इसका मतलब ये है एक्स्ट्रा ग्लो मिलने वाला है,
जल्दी से अब्सॉर्ब होने वाली है और SPF 15 मिलता है, तो आपको सन प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है। ये ओनली क्रीम है हमारी लिस्ट की जो एक्ने के निशान पे भी काम करती है और डार्क स्पॉट्स पे भी काम करती है। तो अगर आप एक्ने की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, गो फॉर दिस वन, बढ़िया काम करने वाली है आपके ब्लेमिशेस पे भी और एक्ने पे भी। सन प्रोटेक्शन मिलने ही वाली है और गार्नियर की इंटरनेशनल क्वालिटी तो आपको साथ मिलेगी। ये बहुत अफोर्डेबल है। अगर हम इसके कुछ प्राइसिंग की बात करें तो 149 रुपीज में आपको मिलता है 45 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 5 जो हमारी लिस्ट में है वो है पॉन्ड्स की ब्राइट ब्यूटी की सीरम क्रीम। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, मुझे लगता है अगर आपने सबसे ज्यादा ऐड किसी क्रीम की देखी है वो इसी की ही देखी है। ये बहुत पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। मेन इसका प्राइस भी अफोर्डेबल है, क्वालिटी भी बढ़िया है। इसके अगर कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसके अंदर आता है विटामिन B3 जो आपके डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस उन सब पे काम करता है, स्किन को इवन करता है, और साथ साथ डाला गया ग्लिसरीन ताकि आपको मॉइस्चर की कमी महसूस ना हो। तो दोनों का बहुत ही डेडली कॉम्बो है, मॉइस्चर का भी, ग्लो भी। आपको एडेड सन प्रोटेक्शन मिलती है SPF 15, PA++, UVA, UVB रेज दोनों से प्रोटेक्ट करता है। अफोर्डेबल में बहुत बढ़िया है पॉन्ड्स की क्रीम। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 155 रुपीज में आपको मिलता है 35 ग्राम प्रोडक्ट। नंबर 4 जो हमारी लिस्ट में है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट की परफेक्ट रेडियंस क्रीम। अगेन एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है लैक्मे, हर कोई जानता है, बढ़िया क्वालिटी डिलीवर करता है। ये क्रीम आपको पहले बताते हैं सेपरेट कैसे है हमारी बाकी लिस्ट से। इसके अंदर माइक्रो क्रिस्टल्स डाले गए हैं जो आपको एक इल्यूमिनेटेड लुक देते हैं, एक हल्का फुल्का सा हाईलाइट दे देते हैं फेस पे, बहुत सुंदर लगता है। और आजकल हाईलाइटेड मेकअप ज्यादा चल रहा है तो आपको एक ग्लोई फेस देता है, एक रोजी सा ग्लो देता है, जो मेरी जो बाकी लिस्ट है वो नहीं दे पाती। इसमें आपको बढ़िया सन प्रोटेक्शन भी मिलती है, हल्का फुल्का बाहर रहते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्रीम ही प्रोटेक्ट कर देगी। एक ग्लोइंग फेस चाह रहे हो जो डार्क स्पॉट पे भी वर्क करे, आपके ब्लेमिशेस पे भी वर्क करे, तो ये क्रीम बढ़िया ऑप्शन है विद अ हाईलाइटेड लुक। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 299 रुपीज में आपको मिलता है 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 3 जो हमारी लिस्ट में है वो है O3+ प्रोफेशनल की वाइट डे क्रीम जो कि SPF 15 के साथ आती है। अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट चाह रहे हो तो गो फॉर O3+। O3+ हम सब जानते हैं फेशियल प्रोडक्ट्स में कितना बढ़िया है और इसकी डे क्रीम भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, इसीलिए नंबर 3 है हमारी लिस्ट में। ये क्रीम आपको कंपैरेटिवली ज्यादा हाइड्रेशन देगी, जो बाकी क्रीम्स हैं वो कंपैरेटिवली सी ड्राई होती हैं क्योंकि वो ऑयली स्किन के लिए बनाई गई होती है, बट दिस इज फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, ये हर टाइप ऑफ स्किन पे चलती है वैसे। बट अगर आप एक हाइड्रेशन वाली डे क्रीम चाह रहे हो, गो फॉर दिस वन, बहुत बढ़िया ढंग से हाइड्रेट करने वाली है, पिगमेंटेशन पे भी काम करेगी और साथ साथ आपको सन की UVA और UVB रेज से भी प्रोटेक्ट करती रहेगी। रेगुलर यूज करते रहोगे तो फेस पे टैन भी नहीं होने देगी और कोई भी एज स्पॉट नहीं आने देगी। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है हमारी लिस्ट में, बट देन आपको प्रोफेशनल क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा स्पेंड करना ही पड़ता है। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस है 955 रुपीज। नंबर 2 जो हमारी लिस्ट में है वो है लोटस की व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम। बाय फार अगर मैं कहूँ सबसे बढ़िया टेक्सचर अगर किसी क्रीम का है तो वो लोटस का ही है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है जेल और क्रीम का, तो आपको बहुत पसंद आने वाला एक वाटरी सा टेक्सचर है और इतना पतला भी नहीं है कि आप इसको जेल बोल पाओ, ये एक प्रॉपर जेल क्रीम है। तो ये बाय फार सबसे अलग है हमारी लिस्ट में और मैं कहूँ तो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है, SPF 25 मिलता है जो कि बहुत बढ़िया सन प्रोटेक्शन मिलती है, आपको UVA, UVB रेज दोनों से प्रोटेक्ट करेगी, जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाएगी, बढ़िया बेस बनाएगी आपका मेकअप का और साथ साथ आप रेगुलर यूज करते रहोगे तो पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट सब पे काम करेगी। लोटस वैसे ही हर्बल होता है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, मैं लूं ना लूं, आप ये वाली ले सकते हो, 100% हर्बल है और इसका इन बिटवीन प्राइस ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको 390 में मिलता है 60 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। एंड नंबर 1 जो हमारी लिस्ट में है वो है लॉरियल की वाइट परफेक्ट डे क्रीम। लॉरियल की ये बहुत पॉपुलर रेंज है और बहुत बढ़िया क्वालिटी डिलीवर करती है, इससे बढ़िया बेस शायद आपका मेकअप का कोई क्रीम से नहीं बन सकता, एकदम स्मूथ और इवन स्किन कर देती है। इसमें आपको मिलता है SPF 17 PA++, तो एक ओके सन प्रोटेक्शन, आपने हल्का फुल्का बाहर जाना है तो ये सफिशिएंट रहेगी आपके लिए, आपको हल्की फुल्की सन प्रोटेक्शन भी दे देगी और टैन भी नहीं होने देगी। इसके साथ साथ इसकी खास बात ये है, जो डार्क स्पॉट का सबसे बड़ा रीजन होता है या पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है मेलानिन बढ़ जाना, तो ये आपका मेलानिन वैनिश करती है विद इन 3-7 डेज। तो अगर आप ये यूज करना चाह रहे हो फॉर डार्क स्पॉट, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है और फॉर श्योर मिलने वाला है, बिकॉज लॉरियल दावा करता है कि वो मेलानिन को बिल्कुल डिसअपीयर कर देता है 7 डेज में, अप टू 70-80% आपका काम हो ही जाएगा। तो अगर आपके फेस पे हल्की फुल्की सी भी पिगमेंटेशन है, लॉरियल वाली ये क्रीम आपको काफी पसंद आने वाली है, एकदम जल्दी से अब्सॉर्ब भी हो जाएगी और बहुत बढ़िया व्हाइटनिंग भी देगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि ऐसी क्रीम जो कि हमारे को बाय फार सबसे जल्दी काम करे, हमारे निशानों पे भी और ग्लो भी दे, बेस भी बनाए, गो फॉर लॉरियल, आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। अगर हम कुछ इसके प्राइसिंग की बात करें तो 550 रुपीज में आपको मिलता है 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये थे हमारे टॉप 10 पिक्स ऑफ व्हाइटनिंग क्रीम्स फॉर समर्स। उम्मीद करते हैं आपकी फेवरेट क्रीम इस लिस्ट में जरूर आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी बढ़िया ब्रांड की क्रीम इस लिस्ट से मिस ना हो। ये जो सारी क्रीम्स थी ये सही बताऊं तो मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है अगर आप कोई और क्रीम यूज करते हो तो वो बढ़िया नहीं है,
वो भी बहुत बढ़िया है। ये हमारी टॉप 10 पिक्स हैं। अगर आपकी फेवरेट इस लिस्ट में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आपका कोई भी डाउट है तो और हम उस पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मोर देन हैप्पी होंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए और आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ फ्लैश होता आपको दिख जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, आपकी छोटी से छोटी चीज़ पे आपकी हेल्प की जाएगी। इनमें से कोई भी क्रीम आप इंडिया में कहीं भी बैठ के ऑर्डर कर सकते हो, डिलीवरी का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बस आपने 500 का मिनिमम ऑर्डर बनाना है और डिलीवरी करना हमारा काम है। आप अपने फ्रेंड्स साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी एक परफेक्ट डे क्रीम चूज कर पाए। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा। गुड बाय।